नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेरी है वो है फैमिली लॉ से रिलेटेड। और ये एक ऐसे हमारी सोसाइटी की जो एक रियलिटी है उसके बारे है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक लड़की जो कि अपने माँ बाप को इतनी प्यारी होती है, जिसको कि अपने माँ बाप ने इतना लाड और नाज और प्यार से बड़ा किया होता है, और जिसको कि जब वो शादी की उम्र की हो जाती है तो उनको एक दूसरे घर से लोग आते हैं, आकर उनका हाथ मांग के ले जाते हैं और सारी रस्मों रवाज के साथ ले जाते हैं और तमाम जो चीज़ें डिमांड करते हैं वो भी दी जाती हैं। लेन देन के बावजूद जो भी जो लड़के वाले की साइड होती है वो तमाम चीज़ें जो बोलते हैं वो लड़की वालों को मजबूरन पूरा करना पड़ता है। और उसके बावजूद कुछ बात हो या ना हो, किसी वजह से या बेवजह से वो हाथ छोड़ देते हैं उस लड़की का, जो कि अपने माँ बाप की इतनी प्यारी होती है, जो इतनी लाडली होती है और जो इतने नाजों से पली बड़ी होती है। और इसी रियलिटी के बारे आज की हमारी डिस्कशन है, तो ले लेते हैं आज की क्वेरी, देखते हैं आज की क्वेरी क्या है। तो आज की हमारी क्वेरी ये है कि आई वॉन्ट टू स्टे विद माई इन लॉज बट दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। इवन दे आर रेडी with all written chats, printouts, which I have done with my family members. The main thing is that they are not letting me stay in their home. तो जो हमारी क्वेरिस्ट हैं वो ये कह रही हैं कि उनके जो इन-लॉज हैं उनको घर पे नहीं रहने देना चाह रहे, उनको घर से निकाल रहे हैं। और उनके पास कोई उनकी जो ये क्वेरिस्ट हैं इनकी स्क्रीनशॉट्स हैं जो इन्होंने चैट अपनी फैमिली के साथ की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो डॉटर इन लॉ होती है, जो शादी करके आती है घर में, या जो वाइफ या डॉटर इन लॉ होती है, उनका अपने मैट्रिमोनियल होम में रेसिडेंशियल राइट होता है, उनको घर से कोई नहीं निकाल सकता। जिस घर में वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, चाहे वो उनके हस्बैंड का अपना घर हो, चाहे किराए का घर हो, चाहे वो घर उनके हस्बैंड के पेरेंट्स का हो, एक डॉटर इन लॉ को या अपनी वाइफ को अपने घर से आप निकाल ही नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लोग करते हैं, हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें लोग करते हैं और उनको फिर जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ता है फिर, और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स है वो पास होते हैं, वो हम आपको इसमें बताएंगे कि क्या होता है। पर ये चीज़ समझ लें कि जो डॉटर इन लॉ हैं, जो मैरिड वाइव्स हैं या जो मैरिड डॉटर इन लॉ हैं, ये उनको मैं बता रहा हूँ कि अंडर द इंडियन लॉ लीगल सिस्टम जो डॉटर इन लॉ हैं और जो वाइव्स हैं उनको घर से निकालने का कोई कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है। इनफैक्ट आप उनको निकाल ही नहीं सकते, दैट इज इलीगल। बिकॉज एक डॉटर इन लॉ का और एक वाइफ का अपने मैट्रिमोनियल होम में रेसिडेंशियल राइट होता है। अब अगर निकाल दे तो क्या करें? अब होता ही है, चीजें लीगल होती हैं और इलीगल होती हैं, पर अगर कोई चीज इलीगल कोई करे तो उसमें क्या करें? तो उसमें सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर सरकार ने अपॉइंट किए होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स, ताकि उन पर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना हो। तो जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, आप सबसे पहले इंटरनेट पे उनका नंबर निकालें, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उन्हें कॉल करें। कॉल करके उनको बताएं कि आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे जबरदस्ती की जा रही है। हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत रिस्पॉन्सिव हो, मोर ऑफन देन नॉट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है वो लेडी ही होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर भी। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, इफ़ शी इज़ रिस्पॉन्सिव या इफ़ ही इज़ रिस्पॉन्सिव, और वो आपको जो आगे की प्रक्रिया है जो कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट वगैरह करने की है, अगर वो खुद से करते हैं तो वेल एंड गुड, और उनके पास ये भी समझा सकते हैं, आपके जो इन लॉज हैं या हस्बैंड हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर उन्हें आके समझा सकते हैं कि लीगली वो ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर इस तक बात बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक, ऑफ कोर्स थ्रू अ लॉयर इट वुड बी एडवाइजेबल, एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट बनाएं, एक पिटिशन बनाएं डोमेस्टिक वायलेंस की, और उसमें आप ये प्रे करें कि घर से आपको जबरदस्ती निकाला जा रहा है और आपके जो इन-लॉज हैं और आपके जो हस्बैंड हैं आपको घर से बेघर कर रहे हैं आपके मैट्रिमोनियल होम से, और उसमें आप प्रे करें इंटरिम रिलीफ का। तो ये जो इंटरिम रिलीफ है ये अगर कोर्ट में ठीक तरीके से प्रेजेंट की जाती है, अर्जेंट रिलीफ होती है, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें कि कोर्ट ये डायरेक्ट करेगा कि आपको आपके घर से आपके इन-लॉज और आपके जो
हस्बैंड है वो बेघर नहीं कर सकते आपके मैट्रिमोनियल होम से। तो क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो रेसिडेंस राइट्स आपके प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो लेडीज या जो वुमेन की जो रेसिडेंस राइट्स होती हैं आफ्टर मैरिज अपने इन-लॉज के या अपने हस्बैंड के घर पे, ये जो पूरी प्रक्रिया है दिस इज गवर्न्ड बाय अ लॉ कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब ये 2005 का जो कानून था ये इतना रेवोल्यूशनरी कानून था क्योंकि इससे पहले भी काफी लॉज थे, बट वो लॉज एम करते थे हस्बैंड एंड इन लॉज को पनिश करने का, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं था। तो ये जो लॉ है इसने एड्रेस की है वुमेन की ये जो नीड है। और इस लॉ के बारे प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को पता नहीं है, जो वुमेन है उनको इन लॉज के बारे पता नहीं है। तो ये जो लॉ है ये हस्बैंड को और इन लॉज को पनिश करने के लिए नहीं है, ये उसके लिए अलग लॉज हैं। वो एक बार आपको प्रोटेक्शन मिल गई तो आप उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, थाने में जाके कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। पर टू फॉर यू टू बी इमीडिएटली प्रोटेक्टेड, अगर आपके घर वाले मतलब आपके जो इन लॉज हैं या आपके हस्बैंड अगर आपको बेघर कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है, जो 2005 का जो कानून है, इसके अंडर आप कंप्लेंट करें, इसके अंदर आप जो भी स्टेप्स हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच करें और इमीडिएट रिलीफ जो प्रोटेक्शन है एविक्शन से या जो आपको निकाला जा रहा है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। दूसरी प्रोटेक्शन जो आपको मिल सकती है, अगर मान लीजिए उन्होंने बेघर कर दिया या आपको ऐसी एक पॉइंट पे उन्होंने आपको मतलब आपको ऐसे पॉइंट तक ले गए हैं या आपको इतना हरास किया है कि आप रहना तो आपके हस्बैंड के साथ चाहते हैं पर सेम घर में नहीं रहना चाहते, तो इस लॉ के अंडर ऐसा भी प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है कि आप उसी घर में रहें या पर आपका कमरा अलग हो, या आप कोई दूसरे घर में रहें, अपने इन लॉज के साथ नहीं रहें किसी दूसरे घर में रहें पर आपके इन लॉज या आपका हस्बैंड जो है उसमें जो आप दूसरे घर में जहां रह रहे हैं उसका खर्चा मतलब या खरीद कर दे या उसका रेंट दे या जो भी, मतलब आपको उस आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तो तमाम ऐसी उसमें रिलीफ्स है, मेंटेनेंस का भी रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं अंडर दैट लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आप मेंटेनेंस की भी रिलीफ क्लेम कर सकते हैं कि मैं बाहर रह रही हूं तो मेरा इतना खर्चा है तो मेरे को महीने का या एक फिक्स्ड अमाउंट इतना खर्चा दिया जाए या मेरे को कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी लॉ। द डिफिकल्टी इज उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की डिफिकल्टी सबसे पहले इस चीज से आती है कि जो वुमेन है उनको ही इन लॉज के बारे नहीं पता। जो वुमेन एम्पावरमेंट लॉज है एग्जिस्ट तो करती हैं पर अगर पता ना हो तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सेकेंडली मान लीजिए आपको पता भी है तो डिफिकल्टी ये आती है कि उसे कोर्ट में ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो अब अगर लॉ है तो इवन कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो इट, कोर्ट्स भी लॉ के ऊपर नहीं है, तो अगर उसको ठीक से प्रेजेंट किया जाए, ठीक से रिलीफ क्लेम की जाए, तो डेफिनेटली जो भी जेन्युइन केस होगा उसमें रिलीफ मिलेगी। तो आई थिंक हमने इस चीज को कवर किया है जो क्वेरी थी कि उनको उनके घर से निकाल दिया जा रहा है और उनको रहने नहीं दिया जा रहा, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके अलावा आप डेफिनेटली क्रिमिनल केस कर सकती हैं कि आपको हरास किया गया है और वो तमाम चीजें तो है ही, पर ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है, इस कानून के तहत स्पेसिफिकली एक वुमन को रेसिडेंस राइट्स अपने इन लॉज के घर पे मिलती है और उनको कोई भी उनके मैट्रिमोनियल होम से नहीं निकाल सकता, और जब तक वो रह रही है वहां पे उन पे डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं कमिट हो सकता। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होगा, सिर्फ मारपीट का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने तो मारा पीटा नहीं तो कहां से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी जो डॉटर इन लॉ है उसको आप अगर गाली गलौज देते हैं, डाउरी की डिमांड करते हैं, कोई साइकोलॉजिकल उनको प्रेशर देते हैं, गलत बातें बोलते हैं उनके घर वालों के बारे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे गलत बात बोलते हैं, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो कानून है ये एम्पावर करने के लिए वुमेन को दिए गए हैं क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत अरसे से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो वुमेन फोक है उन्हें बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। तो ये कानून इसलिए बने हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनका जो हक है एक बेसिक जो राइट होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग का, वो ये है कि वो आजादी से जिए, वो एक बेखौफ एनवायरनमेंट में जिए। तो ये कानून उन चीजों को पूरा करने के लिए बना है ताकि एक जो वुमेन है जिनको इतने अरसों से वीक माना गया है वो वीक ना रहे, कानून उन्हें सशक्त बनाता है। तो इन लॉज का वुमेन को पता होना चाहिए। तो विद दैट मैं इस चीज को, इस डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा।
और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे इन लीगल टॉपिक्स पे जो डिस्कशन होती हैं उनसे जुड़े रहना चाहते हैं तो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकेंडली, हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कि हम इन डिस्कशंस को अपडेट करते रहते हैं, पीरियोडिकली सेंड करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो विद दैट वी कम टू द एंड। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम डिस्कशंस करते हैं दिस इज विद द एम टू एजुकेट पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, विद विद द एम टू यू नो स्प्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें अपने राइट्स के बारे, अपनी ऑब्लिगेशंस के बारे पता चले। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि हमें जितना अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी ऑब्लिगेशंस के बारे पता हो, हम उतना कानून के दायरे के अंदर रहते हैं, और कानून के दायरे के अंदर रहेंगे तो वील बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी। क्योंकि कानून क्या है? लॉ इज कॉमन सेंस। कानून कोई भी ऐसी गलत चीज को ऑथराइज नहीं करेगा या गलत चीज को बढ़ावा नहीं देगा। तो हम अक्सर जाने अनजाने में भी लॉ को तोड़ते हैं। तो द एम ऑफ दिस वीडियो, दिस डिस्कशन इज टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस, ताकि हमें अपने राइट्स के बारे, अपने ऑब्लिगेशंस के बारे, अपनी ड्यूटीज के बारे, हमारे कर्तव्यों के बारे पता लगे, और सो दैट वी ऑल बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, एंड सो दैट वी हैव अ सोसाइटी जहाँ पे कि लॉ की प्रोटेक्शन अच्छी हो। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।